एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डांस क्लास। मैं हूं शिप्रा शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल ऑन द सॉन्ग तितलिया। सो आई नो इस सॉन्ग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो ये तो मुझे अपलोड करना ही था। और अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगर आप मुझसे ऑनलाइन डांस सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारा डांस होता है और बहुत सारी मस्ती भी होती है। सो चेकआउट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और बाकी बातें वीडियो के बाद में करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सॉन्ग स्टार्ट होता है वो म्यूजिक के साथ स्टार्ट होता है। टोटल 16 बीट्स हैं उस म्यूजिक में। फर्स्ट 8 बीट्स में हम एंट्री लेंगे ऑन द फ्लोर। तो हमारा जो फुटवर्क रहेगा, हम लेफ्ट साइड से एंट्री लेंगे। एक बार हम अपने पैर को टॉप पे रखकर डैप करेंगे एंड देन वापस पूरे पैर को नीचे रख देंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साथ जो हमारा हैंडवर्क रहेगा, हमें सिंपली दोनों हाथों को एक बार लेफ्ट लेकर जाना है और एक बार राइट, साथ में हमें स्नैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप स्नैप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली अपने हाथों को वेव कर सकते हैं, या फिर आप अपने दुपट्टे को या आप अपनी ड्रेस को पकड़कर और उसको घुमा सकते हैं। सो इट विल गो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ नेक्स्ट जो हमारे 8 बीट्स रहेंगे उन पे हमारा फुटवर्क रहेगा। जो राइट लेग है उसको हम अपने लेफ्ट पैर के पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में रखना है ऑन द टो। इसके बाद हम राइट डायरेक्शन में बाहर निकालेंगे अगेन ऑन द टो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साथ हैंडवर्क काफ़ी इजी है, हमें सिंपली अपने दोनों हाथों को ओपन रखना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। बट इसके साथ हमें अपने शोल्डर्स को मूव करना है। जब हमारा राइट लेग पीछे जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, हमें अपने शोल्डर्स को लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करना है एंड देन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इसी के साथ हमें अपनी चिन को भी मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ हमारी पहली लाइन स्टार्ट होती है विच सेज, मैं उदे पीछे मरा जग जानदा, ओनी पर मेरे लई मरदा। ये लाइन थोड़ी सी स्लो है। सो इस पे हमारा स्टेप रहेगा, हमने अपना पहला वाला स्टेप इधर फिनिश किया। फुटवर्क सेम है, वन मोर टाइम हम सेम फुटवर्क रखेंगे। 1 2 मैं ओदे। इसके साथ जो हमारा हैंडवर्क रहेगा, पहले हम पूरा हैंडवर्क समझते हैं उसके बाद हम फुटवर्क पे आएंगे। सो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड लेफ्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट रहेगा स्टेबल, राइट हैंड जो है उसको हमें अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखना है, साथ ही हमें पीछे देखना है मैं, एंड देन अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को राइट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है सामने की तरफ, और हमें अपनी चिन को भी सेम डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो 1 2 मैं ओदे पीछे मरा, ऑन द वर्ड मरा, हमें अपने राइट हैंड से फिस्ट बनानी है जस्ट लाइक वी आर होल्डिंग अ नाइफ, और हमें अपने पेट की तरफ अपने राइट हैंड को मूव करना है। एल्बो को मूव नहीं करेंगे, हमें सिर्फ अपनी रिस्ट को मूव करना है। जस्ट 1, हमारा शोल्डर और हमारी एल्बो स्टेबल रहेगी। तो 1 2 3 ना, जब हम अपने राइट हैंड को मूव करेंगे हमें अपने टमी को थोड़ा सा अंदर पुश करना है। 1 सो 1 2 3। इस हैंडवर्क के साथ देयर विल बी नो फुटवर्क। तो मैं ओदे पीछे मरा जग जान दा, इस पे हमें अपना बेसिक डिपिंग करनी है, बेसिक फुटवर्क 1 2। इसके साथ हम दो स्टेप्स पीछे जाएंगे 1 2, और जो हमारा हैंडवर्क रहेगा, एक बार हम अपने राइट हैंड से हाफ सर्कल बनाएंगे, सामने लेकर जाएंगे एंड राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन लेफ्ट, हमें अपने दोनों हाथों को कंप्लीटली स्ट्रेट रखना है, फोल्ड नहीं करना है। 1 एंड 2, तो 1 2 3 4 5 6
8. Now, ये हमारी लाइन थी, मैं ओदे पीछे मरा जग जानदा, एंड देन ओने पर मेरे लिए मरदा. इस पे हमारा जो फुटवर्क रहेगा, हम राइट लेग को उठाकर आगे रखेंगे, साथ ही हमें राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से सामने पॉइंट आउट करना है 1. इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे 2. ये था ओनी पर मेरे लिए. ऑन द वर्ड मर्दा अगेन हम डिपिंग करेंगे और इस बार हमें अपनी कमर भी मूव करनी है. और हमारा जो हैंडवर्क रहेगा, इसके बाद लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की एल्बो के पास आएगा, एंड देन हमें अपनी कलाइयों को इस तरीके से गोल गोल घुमाना है और साथ ही हमें डिपिंग करनी है और कमर को अच्छे से मूव करना है. तो ये हमारा स्टेप रहेगा 1, 2, 3 एंड 4. 2 times हमें ये स्टेप करना है. सो स्टार्टिंग से यहाँ तक हमारे जो सारे स्टेप रहेंगे, म्यूजिक प्लस हमारी जो पहली लाइन थी, दैट विल गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4. इसके बाद सेम लाइन रिपीट हो रही है, मैं उदे पीछे मरा जग जानदा, ओनी पर मेरे लिए मरदा. सो मैं उदे पीछे हम सेम स्टेप रखेंगे 1, 2. मरा, ऑन द वर्ड मरा, इस बार हम नाइफ नहीं लेंगे, हमें बेसिकली राइट हैंड को शो करना है, इज जस्ट अ ब्लेड यू कैन से. और हमें अपनी लेफ्ट जो हमारी कलाई है उसके ऊपर हमें इस तरीके से राइट हैंड को मूव करना है, जस्ट 1, लाइक जैसे कि आपने कट लगाया, दैट्स हाउ. सो 1, 2, 3 एंड देन जग जानदा सेम रखेंगे, बट इस बार हम 2 steps आगे आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड देन ओनी पर मेरे लिए मर्दा, इसमें ओनी पर सेम रखेंगे 1. मेरे लिए इस बार हम दोनों हाथों की जगह सिर्फ अपने राइट हैंड को मूव करेंगे 2. इसके बाद हमें लेफ्ट पैर को सामने लाना है. जब हम अपने राइट हैंड को पीछे लेकर आएंगे शोल्डर पे, एट द सेम टाइम हमें अपने लेफ्ट पैर को सामने लेकर आ जाना है. सो 1, 2. इसके बाद हमें अपने नीज के ऊपर बेंड करना है, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट. और इसके साथ हैंडवर्क, एक बार हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से अपनी गर्दन के पास रखेंगे, गर्दन के जस्ट सामने, और खिसकाते हुए हमें राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है और अपने हाथ को पूरी तरीके से खोलना है 1 एंड देन स्विच 2. तो ये जो हमारे सेकेंड टाइम में ये जो लाइन रहेगी, ये हमारा पूरा स्टेप रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4. Now, the next line is कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते यार मेरा तितलियां वर्गा. इस पे हमारा जो फुटवर्क है वो काफ़ी इजी है, हमें सिंपली अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है, जो हमारा नी है उसको हमें ऊपर उठाना है 1, एंड देन हम अपने राइट लेग को राइट डायरेक्शन में रखेंगे और हल्का सा बेंड करेंगे 2. इसके बाद हम अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में रखेंगे और हल्का सा बेंड करेंगे. तो फुटवर्क 1, 2, 3, 4. जब हम अपने आगे वाले पैर पे बेंड करेंगे, लेट्स से हम जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे और जब हम अपने राइट नी के ऊपर बेंड करेंगे, हमारा जो लेफ्ट पैर है वो टो पे आ जाएगा. तो हल्का सा बाउंस करना है लेफ्ट पैर पे एंड लेफ्ट पैर को टो पे रखना है. तो 1, 2, 3, 4. अगर आप बाउंस करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप सिंपली अपने पैर को उठाकर जा सकते हैं 1, 2. इसके साथ हमारा जो हैंडवर्क रहेगा, जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, हमें अपने दोनों हाथों की कलाइयों को जॉइंट करना है, घुमाना है, हाथों का जो कलाइयों का टच है वो खुलना नहीं चाहिए 1, 2. हम रोल करेंगे इनसाइड, दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ेंगे एंड देन खोल देंगे.
सो कलाइयों को जोड़ना है, पहले लेफ्ट हैंड अंदर आएगा, देन राइट अंदर आएगा, लेफ्ट हैंड बाहर, राइट हैंड फॉलो करेगा और क्लोज एंड ओपन। सो वन टू, जब हम ये फ्लावर बनाएंगे अपने हाथों से, अपनी फिंगर्स को ओपन करेंगे, हमें अपनी चिन को भी ऊपर मूव करना है। तो वन टू, देन लेफ्ट, थ्री फोर, ये था कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते। देन यार मेरा तितलियां वर्गा, फोर टाइम्स हम अपने राइट लेग को डैप करेंगे ऑन द टो। वन टू थ्री फोर, तो हमारा जो राइट लेग था वो पीछे था, लेफ्ट पैर आगे था। राइट लेग को उठाकर हम सामने रखेंगे क्विकली और डैप करते हुए हम पीछे टर्न हो जाएंगे। वन टू थ्री फोर, हमें अपने राइट लेग को थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठाना है, जस्ट ऐसे मूव नहीं करना, राइट लेग को हम प्रॉपर उठाएंगे और फिर हम नीचे रखेंगे। इसके साथ जो हैंडवर्क रहेगा आफ्टर दिस पोजिशन, जब हम अपने राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, हमें अपने दोनों हाथों को खोलना है लाइक दिस, राइट हैंड नीचे राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में। इसके साथ जब भी हम अपने राइट पैर को मूव करेंगे, हमें अपने शोल्डर को आगे की तरफ पुश करना है। वन टू थ्री फोर, जब हमारा राइट लेग फ्लोर को हिट करेगा उस टाइम पे हमें शोल्डर्स ऊपर की तरफ पुल करने हैं। वन टू थ्री फोर, इसके साथ हैंडवर्क, हमारे दोनों हाथ इस पोजीशन में थे, हमें सिर्फ अपनी फिंगर्स को और अपनी कलाई को वेव करना है। तो वन टू थ्री फोर, ये हमारा पूरा जो स्टेप रहेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसके बाद सेम लाइन रिपीट हो रही है, कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते यार मेरा तितलियां वर गा। इस पे हमने अपना स्टेप इधर फिनिश किया। इसके बाद हम अपने राइट लेग को उठाकर कॉर्नर में लेकर जाएंगे राइट डायरेक्शन में ही। वन अगेन, हमें उठाना है और रख देना है, इस बार हमें बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना। इसके साथ जो हैंडवर्क रहेगा, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से सामने पॉइंट आउट करेंगे सेम डायरेक्शन में जहाँ पे हमारा पैर जाएगा। वन एंड देन अगेन हमें फ्लावर बनाना है, सेम चीज़ हम पीछे लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे। वन टू, आप ध्यान रखें जब हम अपने राइट हैंड एंड राइट लेग को मूव करेंगे, हमें सामने ऑडियंस की तरफ जाना है। जब हम अपने लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग को मूव करेंगे, हमें पीछे की तरफ जाना है। तो वन टू थ्री फोर एंड देन अगेन हम टर्न हो जाएंगे। फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारी दोनों जो लाइन रहेंगी, कदे ऐसे फुलते कदे उसे फुलते यार मेरा तितलियां वर गए, ये दोनों लाइन का हमारा स्टेप रहेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसके बाद देर आर टू लाइन्स, यार मेरा तितलियां वरगा एंड देन अगेन यार मेरा तितलियां वरगा। ये लाइन बहुत ही स्लो है और इसके बाद देर आर फोर बीट्स जो कि बहुत फास्ट है। तो पहली जो स्लो लाइन रहेगी, यार मेरा तितलियां वरगा, हम उस पे धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। वन टू थ्री फोर, और हमें अपने राइट नी को फ्लोर पे रखना है। आप चाहें तो अपने दोनों नीज को फ्लोर पे रख सकते हैं या फिर सिर्फ एक रख सकते हैं। हैंडवर्क, जब हम नीचे बैठेंगे, हमें अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ फेस करना है, राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में, और जो दोनों हमारे थम्स हैं उनको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे एंड देन वेव करते हुए नीचे हम जाएंगे। हमें सिर्फ फिंगर्स को वेव करवाना है। वन टू थ्री फोर, अब हम राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगे तो हमारा जो लेफ्ट नी है वो नीचे आ जाएगा फ्लोर पे, राइट नी ऊपर आ जाएगा एंड देन अगेन सेम लाइन है, यार मेरा तितलियां वरगा, इस पे हम दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे। जो राइट हैंड है वो राइट सामने की तरफ जाएगा, उसकी जो हथेली है वो सामने की तरफ होगी,
लेफ्ट जो हैंड है उसकी हथेली पीछे, इस तरीके से हमें अपने हाथों को रखना है एंड देन अगेन वेव करना है और नीचे लेकर आना है। जस्ट 1, 2, 3, 4। तो ये दोनों लाइन जो हमारी रहेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप नीज को नहीं शफल करना चाहते और आप दोनों नीज को एक बार में नीचे रखेंगे तो इट विल गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद देर आर 4 बीट्स जो कि बहुत फास्ट हैं, उस पर सिंपली हम इस तरीके से रोल करेंगे। अपनी दोनों कलाइयों को टच नहीं करना, बस रोल करना है, पूरे हाथ को नहीं सिर्फ कलाइयों को। और रोल करते हुए हम राइट डायरेक्शन से ऊपर जाएंगे और फिर लेफ्ट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4। बहुत क्विकली हमें अपने हाथों को रोल करना है। सो ये पूरी हमारी जो लाइन रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। इसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक स्टार्ट होता है। म्यूजिक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा लेंदी है और जो बीट्स हैं वो काफ़ी फास्ट हैं। सो देर आर अप्रॉक्सीमेटली 16 to 20 बीट्स जो कि 4-4 के पैर में है। तो पहले जो हमारे 4 बीट्स रहेंगे, हमने अपना स्टेप इधर फिनिश किया था, लेफ्ट हैंड जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट। जो राइट हैंड है वो हम पहले लेफ्ट हैंड के बाजू में रखेंगे, देन ऊपर लेकर आएंगे और उसको फ्लिप कर देंगे, देन अगेन ऊपर और फ्लिप, देन राइट एंड राइट। टोटल 4 टाइम्स हमें अपने राइट हैंड को मूव करना है 1, 2, 3, 4। डाउन अप राइट डाउन, देन सेम चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे नेक्स्ट 4 बीट्स में 1, 2, 3, 4। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर लेकर आ जाएंगे, नेक्स्ट 4 बीट्स में दोनों हाथों को मूव करेंगे 1, 2, 3, 4। सो पहले जो हमारे 12 बीट्स रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 एंड देन वेरी क्विकली हमें खड़े हो जाना है, बहुत क्विकली खड़े होना है। ना नेक्स्ट 4 बीट्स, जैसे ही हम खड़े हो जाएंगे इसके बाद 1, 2, 3, 4, इसके बाद इमीडिएटली हमें जंप करना है। जंप करने के साथ राइट लेग जाएगा राइट डायरेक्शन में ऑन द टो, लेफ्ट जो लेग है उसके ऊपर हमें बेंड करना है। सो जंप करेंगे क्विकली 1, राइट लेग स्ट्रेट रहेगा ऑन द टो, लेफ्ट लेग के ऊपर बेंड करना है। हैंड वर्क, हम लेफ्ट डायरेक्शन में दोनों हाथों को लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड नीचे। ध्यान रखें जो पाम्स हैं उनको हमें इस तरीके से सीधा नहीं रखना, इस तरीके से लेटा कर रखना है एंड देन स्विच 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 1, 2, 1, 2, 3। सो आफ्टर गेटिंग अप, जैसे ही हम खड़े हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, देन 1, 2, 3 टाइम्स हम बहुत फास्ट करेंगे 1, 2, 3। इसके बाद लेफ्ट हैंड यहाँ था, राइट हैंड नीचे था, लेफ्ट हैंड को नीचे लेकर आ जाएंगे, राइट हैंड वहीं रहेगा एंड देन अगेन 1 एंड देन फ्लिप 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 अगेन फ्लिप 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 फ्लिप। ये हैंडवर्क रहेगा। फुटवर्क, जब हम अपने लेफ्ट हैंड को नीचे लेकर आएंगे आफ्टर दिस लेफ्ट हैंड नीचे आएगा, जब हम अपने राइट हैंड को पहली बार मूव करेंगे हमारा जो राइट लेग है वो लेफ्ट पैर के पीछे आ जाएगा ऑन द टो 1 एंड देन 1। सेकेंड बीट पे हम अपने राइट लेग को बाहर निकालेंगे, देन लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग इन द राइट एंड देन लेफ्ट लेग को टो पे रख के अगेन 1 देन लेफ्ट लेग बाहर आ जाएगा, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग इन द लेफ्ट एंड देन अगेन राइट ऑन द टो। तो फुटवर्क जो हमारा रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 देन 1, 2, 3, 4। वंस अगेन हम एक बार समझते हैं धीरे धीरे हमारा जो फुटवर्क रहेगा। हमने अपना स्टेप फिनिश किया इधर, राइट लेग जाएगा लेफ्ट पैर के पीछे, हल्का सा डैप करना है जस्ट 1 और राइट लेग को सामने रखना है राइट डायरेक्शन में। इसके बाद हम 2 से 3 स्टेप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट लेग को हमें क्रॉस करके
राइट लेग के सामने से नहीं लेकर जाना, पीछे से लेकर जाना है. वन टू एंड थ्री, देन वन टू थ्री फोर. और हमारे जो हैंडवर्क था वो सेम फ्लिपिंग रहेगा, सो इट विल गो आफ्टर दिस वन टू थ्री, देन वन टू थ्री फोर, देन वन टू थ्री फोर. इसके बाद जब हम ये स्टेप कर लेंगे लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसके बाद हम दो स्टेप्स लेफ्ट डायरेक्शन में आगे जाएंगे ऑन द टो. हमें टो के ऊपर वॉक करते हुए जाना है वन टू, देन टर्न हो जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन से, एंड देन अगेन दो स्टेप हम वापस अपनी जगह पर जाएंगे वन टू. इसके साथ हैंडवर्क हम सेम रखेंगे, दोनों हाथों को एक साथ लेफ्ट और एक साथ राइट लेकर जाना है वन टू थ्री फोर. सो ये जो हमारा पूरा म्यूजिक रहेगा स्टार्टिंग से जो स्टेप्स रहेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. नाउ नेक्स्ट जो हमारी लाइन शुरू होती है, लाइन शुरू होने से पहले देर आर टू ब्लैंक बीट्स, देर विल बी नो म्यूजिक, थोड़ा सा गैप है. नाउ द नेक्स्ट लाइन सेज पता नहीं जी कौन सा नशा करता है. तो जो हमारा म्यूजिक रहेगा जहाँ पे देर आर नो बीट्स, एक थोड़ा सा पॉज है म्यूजिक में, उस पे हमारा फुटवर्क जो रहेगा राइट लेग को हम राइट डायरेक्शन में बाहर निकालेंगे ऑन द टो, और यहीं से हम अपने लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करते हुए एक राउंड ले लेंगे. तो वन टू, इसके साथ जो हैंडवर्क रहेगा हमें अपने दोनों हाथों को पहले इस तरीके से सामने लाना है, दोनों हाथों को नीचे ले जाकर ऊपर लेकर आना है और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, एंड देन वन राउंड. तो वन टू. नाउ वन मोर थिंग, ये जो सॉन्ग है ये एक सैड सॉन्ग है, तो पूरे टाइम हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही सैड होने चाहिए, बहुत ही अनहैप्पी होने चाहिए. सो इस बात का खास ध्यान रखें कि इस सॉन्ग में हमें स्माइल नहीं करनी है, हैप्पीनेस नहीं शो करनी है, इट्स अ सैड सॉन्ग. तो जस्ट वन टू थ्री. इसके बाद जब हमारी लाइन स्टार्ट होती है वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, इस पे हम अपने नीज के ऊपर बेंड करेंगे और हम राइट डायरेक्शन में आगे जाएंगे दो स्टेप, पहले राइट देन लेफ्ट, इसके बाद राइट लेग को सामने उठा कर रखेंगे और हम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, फिर राइट लेग को अगेन लेफ्ट लेग के पीछे रखेंगे ऑन द टो और वापस अपनी जगह. तो हमारा जो फुटवर्क रहेगा वन टू थ्री वन टू. इसके साथ हैंडवर्क जो रहेगा, जब हम अपने राइट लेग को मूव करेंगे उस टाइम पे हमारा जो राइट हैंड है उसको हमें फोर हेड पे लेकर आना है, अपने माथे के सामने रखना है, अपनी सारी फिंगर टिप्स को जॉइंट करना है और नीचे ले जाकर ड्रॉप कर देना है. तो पता नहीं जी, जब हम अपने राइट लेग को आगे रखेंगे ऑन द वर्ड जी, हमें अपने दोनों हाथों से जस्ट क्वेश्चन जैसे हम पूछते हैं, हमें अपने शोल्डर के पास दोनों हाथों को रखना है एंड जस्ट परेशान होके हमें पूछना है. तो वन टू थ्री, दोनों हाथों को यहीं से हम ऊपर लेकर जाएंगे स्ट्रेट, सर के ऊपर हमें लेकर जाना है, फिर जब हम अपने राइट लेग को पीछे मूव करेंगे हमें अपनी सारी फिंगर्स को इस तरीके से राउंड लेना है वन टू, साथ ही हमें अपनी गर्दन को मूव करना है. आप आई एम श्योर आपने इस ट्यूटोरियल से पहले स्ट्रेचिंग की होगी, तो जैसे स्ट्रेचिंग में जब हम अपनी गर्दन में इस तरीके से हम राउंड करते हैं वही सेम हमें करना है वन टू. नशा, तो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, एंड देन अगेन देर आर टू मोर टाइम्स नशा करता है, बहुत ही स्लो लाइन है. इसके बाद नेक्स्ट लाइन है यार मेरा हर एक से वफा करता है, एंड देन अगेन वफा करता है. तो इस पे हमने अपना फिनिश किया वन
टू। अब हमारा फुटवर्क सेम रहेगा, हम वन बाय वन अपने नीज के ऊपर बेंड करेंगे राइट लेफ्ट, साथ ही हमें अपने दोनों हाथों को मूव करना है, एक बार राइट हैंड जाएगा राइट डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, पहले एल्बो ऊपर जाएगी एंड देन रिस्ट, एल्बो एंड रिस्ट एंड फिंगर्स, देन लेफ्ट एल्बो रिस्ट एंड फिंगर्स, तो वन टू, ये हमारी जो लाइन रहेगी, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है एंड देन अगेन नशा करता है, सो वन टू थ्री, वन टू एंड देन वन टू थ्री फोर। इसके बाद यार मेरा हर एक से वफा करता है, इस पे हमारा जो स्टेप रहेगा, तो हमने अपना पहला स्टेप फिनिश किया था, वो हमने किया था वन टू, देन यार मेरा हर एक से वफा करता है, हम राइट लेग को एक बार पीछे लेकर जाएंगे देन वापस अपनी जगह, दो स्टेप्स हम पीछे जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, अगेन नीज के ऊपर हल्का सा बेंड करते हुए जाना है वन टू। इसके बाद हम अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, जो नी है उसको काफी ऊपर उठाना है और साथ ही लेफ्ट पैर पे जंप करना है वन। जैसे ही हम अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे इमीडिएटली लेफ्ट लेग को हमें नीचे ड्रॉप करना है वन टू, और इसके बाद एक राउंड वन टू, तो हमारा जो फुटवर्क रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसके साथ जो हमारा हैंडवर्क रहेगा, हम अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, जब हमारा राइट लेग पीछे जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, हमें अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेफ्ट शोल्डर के पास लेकर जाना है वन, और वापस राइट शोल्डर के पास से होते हुए दूर लेकर जाना है, तो पहले लेफ्ट शोल्डर देन राइट शोल्डर एंड बाहर, तो यार मेरा हर एक से, जब हम पीछे जाएंगे अगेन हमें एक बार राइट हैंड से सर्कल बनाना है, बट इस बार हमारी जो पाम है वो इस तरीके से स्ट्रेट रहेगी, फिंगर्स ऊपर रहेंगे वन टू, देन वफा करता है, अगेन हम अपने फिंगर्स को क्रॉस करेंगे और अपने गर्दन के पास दोनों हाथों को रखेंगे और झटके से नीचे लेके जाते हुए दूर लेकर जाना है वन। जैसे ही हम अपने नी को ऊपर उठाएंगे हमें अपने दोनों हाथों को दूर लेकर जाना है वन, देन राउंड, राउंड के साथ ही हमें अपने दोनों हाथों को बिना छोड़े इस तरीके से पकड़ लेना है जस्ट लाइक दैट, तो पहले हमारे हाथ इस पोजीशन में और इसके बाद हम हाथों को सीधा करेंगे, घुमाएंगे और पकड़ लेंगे, इसके बाद राइट लेग राइट डायरेक्शन में आगे जाएगा वापस अपनी जगह, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा एंड देन वापस अपनी जगह, और जो हमारे दोनों हाथ हैं हमें उनकी एल्बोज को मूव करना है, राइट एल्बो राइट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देन नीचे, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फिर नीचे, ये हमारी लाइन रहेगी वफा करता है। एंड देन अगेन सेम लाइन रिपीट हो रही है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, इसमें हम सेम स्टेप रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइन स्टार्ट होती है, छुप छुप के बेवफाइयां वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है, तो छुप छुप के बेवफाइयां वाले, इस पे हम हमारा जो फुटवर्क रहेगा राइट जो लेग है उसको अगेन हमें क्विकली जंप करके राइट लेग को टोपे रखना है, लेफ्ट लेग पे बेंड करना है वन, दैट्स इट। और हमारा हैंडवर्क जो रहेगा, हमें अपने दोनों हाथों को, एक हाथ हमारा फेस के सामने रहेगा और जो दूसरा हाथ है उसको अगेन हमें रखना फेस के लेवल पर है, बट सामने रखना है दूर, हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, पाम सामने की तरफ रहेगी, एक पाम जो है वो फेस की तरफ, दूसरी अपोजिट, देन स्विच स्विच स्विच, फोर टाइम्स हमें बहुत क्विकली स्विच करना है वन टू थ्री। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से हमें सामने लेकर आना है फेस के सामने, हल्का सा फेस से नीचे कर सकते हैं हम, और हमें दोनों हाथों से फिस्ट बनाकर जो फिंगर्स हैं जहाँ पे हम रिंग्स पहनते हैं वो पार्ट को हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है और दूर ले जाकर छोड़ देना है वन, लाइक इस तरीके से।
तो और इसके साथ जो हमारा फुटवर्क रहेगा, सिर्फ हमें अपने राइट लेग को उठाकर सामने रखना है एंड वन, दैट्स इट। तो फुटवर्क था 1 2 3 4 5, दैट्स इट। इसके साथ हैंडवर्क था 1 2 3 4 5। तो ये हमारी लाइन रहेगी, छुप छुप के बेवा फाइया वाले दिन चले गए। इस पे हम 4 स्टेप्स राइट डायरेक्शन में जाएंगे, नीज के ऊपर बेंड करते हुए हमें वॉक करना है 1 2 3 4। और जो हमारा हैंडवर्क रहेगा, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे और सिंपली अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमाना है, जस्ट गो अवे गो अवे गो अवे। सो 1 2 3 4 एंड 1 लिटिल बाउंस, क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा बीट है उस पे हम बाउंस करेंगे। तो ये हमारी स्टेप जो, ये जो हमारी लाइन थी छुप छुप के बेवफाइयां वाले दिन चले गए, इस पे स्टेप रहेगा 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 जंप। इसके बाद आंखों में आंखें डाल के दगा करता है, राइट हैंड से विक्ट्री का साइन बनाना है वी, राइट आई के पास रखना है और राइट डायरेक्शन में पीछे पुल करना है 1, देन लेफ्ट। इसके बाद जो हमारी राइट दोनों फिंगर्स है जिनसे हमने वी बनाया था, हमें इस तरीके से अपनी आंखों के पास रखना है, जस्ट लाइक 1 2, इट्स लाइक आई एम वॉचिंग यू। सो इट विल गो 1 2 3 4, सामने हमें ले जाकर अपने हाथ को रोक देना है। इसके साथ हम हल्का सा वेव करेंगे। ये जो म्यूजिक है, ये वाला जो हमारा स्टेप है, ये थोड़ा सा फास्ट है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने हाथों के साथ अपने पैरों को मूव कर सकते हैं 1 2 3 4। इस स्टेप पे सिर्फ हमें राइट लेग को बाहर उठाना है, और अगर आप फुटवर्क के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो सिंपली हम वेव करेंगे राइट लेफ्ट एंड देन दिस। तो आंखों में आंखें डाल के एंड देन दगा करता है। इस पे हमने जो अपना स्टेप फिनिश किया वो हमने इधर फिनिश किया, यहीं से अगेन हम अपने दोनों हाथों को साथ में लाएंगे, दोनों हाथों से फिस्ट बनानी है। इस बार हम जॉइंट नहीं करेंगे, सिंपली हमें थ्रो करना है 1। इसके बाद लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और राइट हैंड सामने। तो आंखों में आंखें डाल के दगा करता है 1 2 3 4 5 एंड देन 1 राउंड। अब राउंड के बाद ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे या राइट हैंड को, बट बेसिकली हमारा एक हाथ ऊपर रहेगा और एक हाथ नीचे रहेगा। सो ये पूरी जो लाइन रहेगी हमारी, इट विल गो 1 2 3 4 1, देन 1 2 3 4 जंप, देन 1 2 3 4 1 2। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो लाइन स्टार्ट होती है, दैट इज वे मैं जानती तू मेरे नाल निभानी नहीं कोई, एंड देन तेरी प्यास बुझावा में पानी नहीं कोई। सो ये जो लाइन है ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जो म्यूजिक है थोड़ा स्लो हो जाता है, जो स्टार्टिंग में म्यूजिक था उतना स्लो। तो अभी हमारा जो स्टेप रहेगा, हमने अपना स्टेप फिनिश किया वो हमने इस राउंड के साथ इधर फिनिश किया। Now the right hand is up, left hand is down or switch, whatever suits you. इसके बाद हमें right hand जो है हमें उसकी fingers को इस तरीके से चिपका कर रखना है and then ऊपर flip करना है 1 2 3 4। इसके साथ हमें एक round लेना है कमर को move करते हुए 1 2 3 4। लेफ्ट जो हैंड है उसको चाहे तो आप कमर पे रख सकते हैं, चाहे तो आप वहीं पे रख सकते हैं और साथ में फ्लिप कर सकते हैं, जस्ट 1 2 3 4। सो ये जो लाइन है इसका हैंडवर्क टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये हमारा रहेगा वे मैं जानती तू मेरे नाल निभानी नहीं कोई, एंड देन तेरी प्यास बुझावा में पानी नहीं कोई। इस पे हमारा जो लास्ट पोजिशन थी दैट वॉज 1 2 3 4। राइट जो लेग है वो राइट डायरेक्शन में है और लेफ्ट लेग अपनी पोजीशन पे है। इसके बाद राइट लेग को अगेन हम टोपे रखेंगे और हमें अपनी शोल्डर्स को राइट डायरेक्शन में टर्न कर लेना है लाइक दिस। इसके बाद हम पीछे बेंड करेंगे एज मच एज वी कैन, जितना ज़्यादा हो सके, जितना आप कंफर्टेबल हैं अपने आउटफिट में, अपने
जिस जगह पे आप परफॉर्म कर रहे हैं उस जगह पर जितना आप कंफर्टेबल हैं हमें पीछे बेंड करना है। सो और अगर आप बेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि आप उतना ज़्यादा बेंड पीछे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम सीधे खड़े रहेंगे, सिर्फ अपने शोल्डर्स को हल्का सा पीछे पुश करने की कोशिश करेंगे और हमें सिर्फ अपनी गर्दन को पीछे बेंड करना है। अगर आप पूरा बैक से नहीं बेंड हो पा रहे तो सिर्फ गर्दन को भी बैक पीछे की तरफ हम बेंड कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी करना ही नहीं है, लाइक आप बिल्कुल इस पोजिशन में ही नहीं है कि आप बेंड करें, तो इन दैट केस हम सिर्फ स्ट्रेट रहेंगे और अपने हाथों को दोनों को ऊपर लेकर जाएंगे। नाउ हैंड वर्क, हमें सिंपली अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और अंदर 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 रोल करना है। सो ये हमारी लाइन रहेगी, साथ ही हमें अपने लेफ्ट लेग के ऊपर बेंड करना है। 1 2 3 4 तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नहीं कोई। फुटवर्क, देयर विल बी नो फुटवर्क, पैर अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ आगे हमें उनको टर्न कर देना है सामने की तरफ। लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट हैंड को वेव करते हुए हमें नीचे लेकर आना है। 1 2 3 4 लेफ्ट नी अगेन बेंड हो जाएगा। तो तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नहीं कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज मेरी सामने ही ताड़ता है और कुड़ियां। इस पर हम दो स्टेप आगे जाएंगे, पहले राइट देन लेफ्ट, लेफ्ट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में रखना है ऑन द टो। इसके साथ हैंडवर्क, राइट हैंड, राइट हैंड से हमें अपने आप को शो करना है। 1 ताड़ता है, ये था मेरे सामने ही ताड़ता है। जब लेफ्ट लेग को हम सामने लेकर आएंगे हमें अपने राइट हैंड को इस तरीके से फोरहेड पे रखना है और सामने से हम राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगे। ताड़ता है होर कुड़ियां, हमें अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लेकर आना है एंड देन वेव करते हुए पहले हम नैरो डाउन करेंगे और फिर ओपन कर देंगे। 1 2 जैसे हम शो करते हैं ना कुड़ियां, जस्ट लाइक दैट। तो 1 2 3 4 देन आग ला के शर्म का पर्दा, ये पर्दा जो वर्ड है थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो आग लाके पे हम अपने हाथ को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आफ्टर दिस देयर विल बी नो फुटवर्क, राइट हैंड को हमने इस तरीके से नीचे लेकर गए थे, अब हम राइट हैंड को ऊपर लेकर आएंगे, अपने फेस से थोड़ा सा ऊपर रखना है एल्बो, जो फिंगर्स हैं वो नीचे रहेंगी और हमें नीचे देखना है। दिस इज पर्दा। अब हम अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को नीचे पुश कर देंगे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जाना, हल्का सा नीचे पुश करना है और फिर दोनों हाथों की एल्बोज को इस तरीके से मूव करना है। तो अगला के शर्म का पर दा एंड देन अगेन सेम लाइन हमारी रिपीट हो रही है, कदे इस फुलते कदे उस फुलते यार मेरा तितनिया वर्गा। इस पे आप चाहें तो अपना पहले वाला स्टेप रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर हम हैंडवर्क चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर आप राउंड लेने की जगह लेफ्ट एंड राइट भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो किया है कदे इस फुलते कदे उस फुलते, जस्ट 1 2 3 4 एंड देन यार मेरा तितलियां वर्गा। इस पे फुटवर्क जो रहेगा हम राइट पैर को इस तरीके से उठाकर रखेंगे और लेफ्ट पैर को ड्रैग करेंगे। 1 2 3 4 फोर स्टेप्स हम राइट जाएंगे एंड देन फोर स्टेप्स लेफ्ट। और हमारा हैंडवर्क जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा राइट हैंड नीचे और अगेन हमें अपने हाथों को वेव करना है। 1 और इस बार हमें कमर बहुत अच्छे से मूव करनी है। सो यार मेरा तितलियां वर्गा देन यार मेरा तितलियां वर्गा, सेम फुटवर्क के साथ हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे बट हमारा हैंडवर्क हम ये रखेंगे। सो 1 2 3 4 और यहीं से हम स्टेज से
बाहर हो जाएंगे। सो ये था मेरा ट्यूटोरियल ऑन द सॉन्ग तितलियां। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आती रहूं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑल्सो मेरा और एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो चेक दैट आउट। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग एंड कीप स्माइलिंग।